बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। बीआरओ की तरफ से बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे, मैम बीआरओ की वैकेंसीज कब आएंगी। आप सभी जानते हैं 2 साल से वैकेंसीज नहीं आई थी, तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपके इसमें किस तरीके से होने वाली है। वैकेंसीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है जो इस बार आई हुई है, ठीक है। आप यहाँ ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। आपको कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी इसमें किस तरीके से होने वाली है, सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाए, ठीक है। आप कौन सी लोकेशन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, फटाफट कमेंट करें, ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आ चुकी हूँ। बीआरओ की तरफ से बहुत टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि मैम बीआरओ की वैकेंसीज कब आएंगे, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा अपडेट है, अप्लाई आप ऑनलाइन करें यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है, किस तरीके से किस तारीख तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, हर चीज आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो चैनल पर आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई है, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट को सीधा गूगल पे टाइप करेंगे, आपको पहली नंबर पे साइट मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से गूगल पे लिखेगा meetacademy.in, आपको पहली नंबर पे साइट मिल जाएगी। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आई है आप उसको यहां से सिंगल क्लिक करके चेक करके अप्लाई कर सकते हो। चलिए फिलहाल बात करिए बीआरओ की नई जॉब अपडेट के बारे में, हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे इस अपडेट के बारे में। क्या पोस्ट है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा अप्लाई आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होगा। एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई वैकेंसीज आ गई हैं और पोस्ट ऑफिस की बिल्कुल नई वैकेंसीज है। जीडीएस की बात नहीं कर रही हूँ, और नई वैकेंसीज आई हैं, वो वीडियोस इसके बाद आएंगी हमारे सेकंड चैनल मीत शर्मा पे। यूट्यूब में टाइप करो मीत शर्मा, आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा, जाके आप सब्सक्राइब करना। फिलहाल हम बात करें यहाँ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ बात करें बीआरओ की बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अपडेट है, जहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, कोई भी अदर मोड यहाँ अप्लाई करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट। अगर यहाँ पे बात करें कितने दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो करना होगा, ठीक है। ये जो वैकेंसीज है ना आपकी, ये परमानेंट जॉब है और वैकेंसीज हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं, सभी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी है, आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से कोई भी अप्लाई यहाँ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है और क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर बीआरओ के बारे में आप अवेयर नहीं है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली रोड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं की तरफ से ये अपडेट जो है वो आया हुआ है। अब यहाँ पे रोड की सर्विसेज मतलब सड़क वगैरह बनाती है, ठीक है, उन्हीं की तरफ से अपडेट है, काफी टाइम के बाद है। पहले यहाँ पे जो पोस्ट है वो है आपकी ड्राफ्ट्समैन की। ये जो पोस्ट है ना, ये फीमेल मेल दोनों अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें यहाँ पे सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुपरवाइजर के लिए आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें टर्नर, मशीनिस्ट, ऑपरेटर मशीनरी, ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट ओजी की वैकेंसीज, ठीक है, ड्राइवर रोड रोलर की वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हर पोस्ट की अलग अलग है। ड्राफ्टमैन के लिए बात करें तो 16 वैकेंसीज है, उसके बाद सुपरवाइजर के लिए 2 है, टर्नर के लिए 10 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट के लिए 1। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ऑपरेटर मशीनरी के लिए 18, नेक्स्ट ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी जो है 417, और 2 वैकेंसीज आपकी
है जो रोड रोलर के लिए है, ठीक है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज आपकी हो जाती है वो है आपकी 466 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कब से कब तक करना है, सिलेक्शन आपकी कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी है। जनरल OBC SC ST अदर्स के लिए अगर बात करें तो आपकी 100 रुपीज़ फ़ी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका एग्जाम, आपका सिलेक्शन कैसे होना है इसमें, ठीक है। तो पहले आपका देखिए, आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है वो है आपका बेसिकली रिटन एग्जाम का, ठीक है। रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनका यहाँ पे होगा फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी फाइनल मेरिट आएगी, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल ज्वाइनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सैलरी के बारे में, सैलरी यहाँ पे बेसिकली हर एक पोस्ट की अलग अलग है, ठीक है, वो आप पोस्ट वाइज यहाँ चेक भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है इन वैकेंसीज के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो जो जो मैंने आपको वैकेंसीज यहाँ पे बताई है इनमें से 10th पास की अलग वैकेंसीज है, 10th और ITI की अलग है, ठीक है, 12th की अलग है, 12th ITI की अलग है, ग्रेजुएट की अलग है, डिप्लोमा कैंडिडेट की अलग वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इन वैकेंसीज में एज लिमिट की बात करें, वैसे तो अलग अलग पोस्ट वाइज है, अगर मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल एज लिमिट बताऊँ तो मिनिमम 18, ठीक है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें मिनिमम 18, मैक्सिमम की अगर हम यहाँ पे बात करें किसी पोस्ट के लिए 28, किसी पोस्ट के लिए 32, प्लस आपको रिलैक्सेशन बहुत अच्छा खासा यहाँ मिल रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST का 5 साल का है, अदर्स के लिए एज पर नॉर्म्स है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखिए कोई अपकमिंग वैकेंसीज होती हैं, कोई वैकेंसीज आ गई है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करी जाती है। एक और डिपार्टमेंट का बहुत ही धमाकेदार अपडेट आया हुआ है, इसी चैनल पर हमारे वो वीडियोज आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। BRO की इन वैकेंसीज के लिए अगर हम बात करें कब से कब तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑफिशियली ही अभी शॉर्ट अपडेट आ चुका है इनकी तरफ से, जहाँ पे इन्होंने सीधा ही बोला है कि आपका जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ ही दिन में यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ही दिन में अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन होगा उस दिन मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो भी जरूर लेकर आऊँगी और डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो भी जरूर लेकर आऊँगी, जहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हाँ आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है इसके लिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको तब प्रोवाइड कर दूंगी। तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि 2 साल के बाद ये वैकेंसीज आ रही हैं, आपका वेट ओवर हो चुका है। जैसे ही आएगा डिटेल नोटिफिकेशन में आपके उसी वक्त नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो करें, इंस्टा फेसबुक पेज पे कमेंट जरूर करें आप कौन सी लोकेशन इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।